जय कर दादी का, जय कर दादी का। बाय शिनोय, बाय तो यहाँ से हमारा सफ़र हुआ था स्टार्ट। हम लोग जस्ट एयरपोर्ट पहुँचे थे और हम लोग को काफ़ी डिले हो गया था क्योंकि ट्रैफिक इतना रहता है दिल्ली में, बहुत ही ज़्यादा, तो इसलिए हम काफ़ी लेट हो गए थे। सब मुझे मिलने आए थे वहाँ पर, लेकिन इतना टाइम ही नहीं था कि मैं ठीक से सबसे मिल भी नहीं पाई क्योंकि हम लोग ऑलरेडी बहुत लेट थे। तो जल्दी जल्दी प्रोसेस स्टार्ट हो गई थी, सब लोग जाने लगे थे। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में जो रहता है गेट के बाहर का पासपोर्ट स्कैन होता है, देन आप अंदर एंट्री करते हैं। तो ये वाला टाइम ना बहुत ही अलग होता है, क्या मैं इसे एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि क्या कैसा टाइम रहता है। ये ऐसा लगता है कि बस जल्दी से निकल जाए या तो ऐसे ही रुक जाए। आगे आगे जा रहा है, बहुत ही नहीं बोल पाएंगे कैसा ये टाइम रहता है। और शिनोय के साथ मैं फर्स्ट टाइम जा रही थी तो मेरे मन में थोड़ा सा डर था, बाकी मैं कॉन्फिडेंट बहुत थी और मैं सबको बोल रही थी, सब लोग बोलते थे कि कैसे जाएगी। मेरे पापा बोलते थे कि बहुत परेशान करेगा बच्चा साथ में जा रहा है, सुना बहुत परेशान करेगा, लेकिन फिर भी एक होप थी कि नहीं चलो जैसा भी हो हैंडल हो जाएगा, आई विल मैनेज। हेलो, ये सोच सोच कर बस ये दिन निकल गए थे और फिर फाइनल मेरे जाने का। और हम लोग बस वेट कर रहे थे यहाँ पर और बस सारा प्रोसेस हुआ और फिर तो गेट से हम लोग को ठीक है बस एक मिनट ना, मेरे को थोड़ा काम जल्दी हो गया था और सुना है लोग बहुत जल्दी थे उसे जाने की कैसे भाग रहे थे फटाफट फटाफट। इन्विटेशन चल रही है, काफ़ी लंबा क्यू है। ठीक ठाक है शिनोय, रो नहीं रहा है, खुश है। बस मुझे इसी का डर था कि ये परेशान करेगा, बस ये बिल्कुल परेशान नहीं करा। अभी तक 5-6 मंच खा चुका है, डेट्स फाइन। आज के दिन तो खा सकता है जितना भी चाहे, क्योंकि इसे यदि शांत रखना है, कंट्रोल में रखना है, तो मुझे इससे चॉकलेट तो देनी पड़ेगी ना। बाकी माँ लोग बाहर हैं,
वेट करें, वो अभी जाएंगे नहीं तब तक, तब तक हम लोग आना जाए, मतलब जब तक हम लोग फ्लाइट में बैठेंगे ना वो जाने वाली नहीं है, वहीं वेट करेंगे। बस शिनॉय बढ़िया से खेल रहा, बस ये 15 आवर्स की जर्नी ईजीली निकल जाए बस। आई नो बच्चों के साथ थोड़ा डिफिकल्ट है, देखिए स्वेटर कहाँ फेंक दिया। अपने डैडी से मिले क्योंकि आपके पास बच्चे हैं और या फिर आपके साथ फैमिली है, सीनियर सिटीजन है, तो आप ऑर्डर कर सकते हैं, बुगी के लिए बात कर सकते हैं, तो फिर वहीं पर बगी के लिए। क्या हुआ आपको? इतनी गर्मी हो गई शिनॉय, ठंडी लग जाएगी। और फिर हम लोग आ गए थे फ्लाइट में बैठ के गए अच्छे से। शिनॉय को पहले मैंने अपना बैग वगैरह लगेज जो भी था, जो कैबिन बैग रहता है, वो सब एडजस्ट किया। देन मैंने शिनॉय को बैठाया, फिर थोड़ी देर वो बहुत परेशान हुआ, 2-3 देन फिर वो शांत हो गया, फिर धीरे धीरे खेलने लगा था। वहाँ पर लोग बैठ गए थे, भी बहुत ही प्यारा था। और इस टाइम शिनॉय थोड़ा परेशान भी हो रहा था, इसलिए ज़्यादा कुछ तो मैंने नहीं लिया, बट जो भी था ये वाला टाइम बहुत ही स्पेशल अलग सा होता है। बस ये लास्ट टाइम था जब दिल्ली से टेक ऑफ कर रही थी फ्लाइट, और धीरे धीरे दिल्ली धीरे धीरे छूटता जा रहा था पीछे, और बस निकलते जा रहा था। कंफर्टेबल होकर सो गया था थोड़ी देर, देन उसके बाद डिनर आया था, तो फिर खाना जैसे ही आया बेटा, है ना?
मम्मी को हैप्पी हैप्पी बोलो। हाँ बोल बेटा सर। ओके बेटा, थैंक यू, बाय बाय। बस मॉर्निंग हो गई थी और फिर लैंड होने का टाइम आ रहा था, टोरंटो में पहुंचने वाले थे, तो बस वेट ही कर रहे थे कि कब कब हम पहुंचेंगे, क्योंकि इसके बाद भी बहुत सारा काम बाकी था। चलो चलो चलो। ओ सारा प्रोसेस हो गया कंप्लीट। हमारी सेफ्टी लैंडिंग हो गई थी, उसके बाद हम इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में बुलाए थे, यहाँ पे वेरीफाई होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है आपका, वही सब चल रहा था प्रोसेस। बहुत सो एवरीथिंग इज डन, बस हमें अपना लगेज कलेक्ट करना है जो कि इस 13 बेल्ट पे आने वाला है, बस लगेज लेना है, देन वी कैन गो। शिनोई नो 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 And where is my luggage bag? Shinoi, you ready? Come on. इतना लगेज बैग तो रखे हुए हैं। ओके, वो रहा हमारा लगेज। मैंने इसमें ऑरेंज कलर का थोड़ा सा रिबन लगा दिया था कि क्लियर हो जाए दूर से ही, तो देखा दूर से ही क्लियर हो गया मेरा बैग। हमारा बैग आ गया शिनोई, कम कम। हमने इसमें अपना बैग भी लगा दिया एंड वी आर डन। शिनोई इसे नहीं जाना बेटा, इसे जाना, चलो चलो कम। चलो तो चलते हैं, चलो शिनोई शिनोई हम चल रहे हैं, शिनोई आ जाओ। तो हमारा हो गया सब कुछ डन, अब हम लोग चल रहे हैं और शिनोई तो भागम भाग कर रहा है जब से, और हम भी थक गए हैं बुरी तरह से। चलिए चलते हैं, निकलते हैं बाहर, देखते कौन वेट कर रहा है हमारा। बस आ गए दी रात पराठे। टिंग टिंग यार, पूरा आते तक भागते भागते ही आ जाइए। कैसे सीन है? ओए सुनो, हां मैम सो वेट हियर, गाड़ी देख के खुश हो गया। पीपी कहां, वेयर इज पीपी? क्या बोलो, पूरी बात अभी करेंगे। ओए ओए सुनो अपने वेट उसका उसके अकॉर्डिंग नहीं लगा क्या? वो बैठेगा कितनी देर?
यस आपकी पर्सनल सीट है। एक सेकंड। वेरी गुड। मैं पकड़ लूंगी चुनाव बैठा अपने न्यू कार सीट में बहुत इंजॉय कर रहा था एंड फिर हम लोग घर आ गए थे। तो बस यही थी हमारी जर्नी। होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको पसंद आया है तो यू कैन लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब।